अखिल भारतीय अहीर महासभा की ओर से यदुवंश पराक्रम संगोष्ठी सम्मान एवं मिलन समारोह आयोजित किया गया। रविवार को अमर वाटिका बैंक्वेट हॉल बुद्धि विहार में अखिल भारतीय अहीर महासभा की ओर से यदुवंश पराक्रम संगोष्ठी सम्मान एवं मिलन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम आयोजक भूप सिंह यादव, प्रदेश प्रमुख महासचिव प्रभारी पश्चिम उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया। समारोह में आए सम्मानित राष्ट्रीय संयोजक आशुतोष आहिर ने बताया कि हस्तिनापुर के चंद्रवंशी सम्राट महाराज ययाति के ज्येष्ठ पुत्र महाराज यदु ने यदुवंश की स्थापना की। इसी वंश में यदुकुल श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण जी ने जन्म लेकर संपूर्ण विश्व में यदुवंश के मान सम्मान और स्वाभिमान को स्थापित किया। आज हम ग्वाल, घोसी, कमरिया, डिडोर आदि में बढ़ गए। हमारी निष्ठा समाज के उत्थान पर कम, व्यक्तिगत विकास पर अधिक केंद्रित हो गई है। राजनीतिक चर्चा छिड़ जाने पर कहा, राजनीति में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपने समाज को आगे बढ़ाने का काम करें। राष्ट्रीय अध्यक्ष वेद रतन यादव ने भी समाज को एकजुट और संगठित रहने पर जोर दिया। कार्यक्रम आयोजक भूप सिंह यादव तथा जिला अध्यक्ष आशु यादव ने राष्ट्रीय संयोजक आशुतोष अहीर और राष्ट्रीय अध्यक्ष वेद रतन यादव को गदा भेंट की और शॉल पगड़ी पहनाकर सम्मान किया। समारोह में मुख्य रूप से वेद रतन यादव, श्रीमती आभा चौधरी राष्ट्रीय महासचिव महिला मोर्चा, डॉक्टर अशोक यादव सदस्य श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, आशु यादव जिला अध्यक्ष, हुकम सिंह यादव, सत्यवीर सिंह यादव, शिशुपाल सिंह यादव, सतेंद्र यादव, सतीश यादव, विशन सिंह यादव, दुर्गपाल सिंह यादव, दिनेश यादव, श्याम प्रकाश यादव, नागेंद्र प्रसाद यादव, बलवीर सिंह यादव, भानु यादव, अशोक यादव, प्रशांत यादव, राकेश यादव, कुंवरपाल सिंह यादव, शैलेंद्र यादव, नरेश यादव, श्रीमती राजेश्वरी यादव, श्रीमती अनीता यादव, खुशबू यादव मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन आशु जिला अध्यक्ष मुरादाबाद द्वारा किया गया, जबकि अध्यक्षता भूप सिंह यादव, प्रदेश महासचिव प्रभारी पश्चिम उत्तर प्रदेश ने की। आज अखिल भारतीय अहीर महासभा का सम्मान समारोह है। इसमें सभी पदाधिकारियों का सम्मान किया गया है और जो जिला पंचायत सदस्य हैं उनके लिए हम उनका भी मतलब सम्मान करेंगे। एक प्रमाण पत्र हम लेकर आए लखनऊ से लगवा के, उनको प्रमाण पत्र देने के बाद उनका स्वागत किया जाएगा। और अखिल भारतीय अहीर महासभा की ओर से हमारी अपील है, हम सभी अपने यादव भाइयों को एकजुट और संगठित करना चाहते हैं, इस उद्देश्य से प्रोग्राम किया गया। क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से इस अवसर पर? मेरी सभी भाइयों से अपील है कि एकजुट रहें और संगठित रहें। भाई संगठन एक ऐसी चीज़ है, जैसे मधुमक्खी का मतलब छत्ता जो होता है, उस तरह से संगठन एक मधुमक्खी के छत्ते की तरह है। जैसे कोई उसको छेड़ेगा तो सारी की सारी मधुमक्खियाँ उसमें चिपट जाती हैं, आपने देखा होगा उसका क्या मतलब विनाश करती है। इसी प्रकार से हमारी अपील है कि सभी अखिल भारतीय अहीर महासभा में आकर जुड़े और एकजुट और संगठित रहें। अहीर बंधुओं के कल्याण के लिए क्या करेगी ये आपकी सभा जो है? जैसे हमारे समाज में जैसे कोई मतलब शिक्षित नहीं हो पा रहा है, उसके लिए हम लोग सभी से सहयोग लेकर उसको मतलब शिक्षा प्रदान कराएंगे। किसी की धी बेटी की शादी अथवा नहीं हो पा रही है तो उसमें भी हम लोग सहयोग करेंगे। किसी की मतलब कोई बेरोजगार है तो कहीं ना कहीं उसको भी मतलब रोजगार मतलब देने का काम करेंगे।